हेलो एवरीवन, दिस इज़ बिंदेश्वरी वारे। सो आज का हमारा टॉपिक है कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस ऑफ काउपी। सो आज हम देखेंगे कि काउपी का जो है कल्टीवेशन किस प्रकार से किया गया है। सो इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो विग्ना अनग्यूक्युलाटा या विग्ना साइनेंसिस है। ये लेग्यूमिनेसी या फैबेसी फैमिली से बिलोंग करता है। एनुअल हार्बेसियस क्रॉप होता है ये। इसके वेल डेवलप जो है टैप रूट सिस्टम होते हैं इसके काउपी के। एंड ओरिजिन जो है अफ्रीका है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है लेग्यूम फूड क्रॉप होता है। एंड ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप भी है। एंड वार्म वेदर को भी जो है ये अच्छे प्रकार से सह लेता है, मतलब ड्रॉट के प्रति एंड वार्म वेदर के प्रति ये टॉलरेंट होता है। एंड ये जो है जो स्वतंत्र नाइट्रोजन होता है ये लेग्यूम क्रॉप्स होने के कारण जो है ये लगाने से लेग्यूम क्रॉप्स होने के वजह से जो है ये फील्ड में जो है स्वतंत्र जो नाइट्रोजन होता है उसको उसको फिक्स करने का काम करता है। क्योंकि इसके रूट्स में नोड्यूल्स पाए जाते हैं। राइजोबियम जो नोड्यूल्स होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है, जिसके द्वारा जो है फील्ड में नाइट्रोजन की प्राप्ति भी होती है। एंड नेक्स्ट जो है इसके यूजेस को देखते हैं। सो ये अच्छा जो है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है सीरियल्स एंड सीरियल्स क्रॉप के जैसे ही, जैसे कि जो है एनिमल्स को ये बहुत ही अच्छा जो है प्रोटीन प्रोवाइड कराता है। एंड इसके जो ग्रीन लीव्स होते हैं और उसको जो है एनिमल्स को जो है खिलाया जाता है। और ग्रीन जो काउपी के जो सीड्स होते हैं उसको वो ड्राई मैच्योर्ड जो सीड होते हैं उसको बॉयल करके या फ्रेश वेजिटेबल के रूप में या फ्यूज़न करके उसको यूज़ किया जाता है। एंड ड्राई फोडर के रूप में भी जो है इसको यूज़ करते हैं, यूज़ किया जाता है ग्रीन एंड ड्राई फोडर के रूप में, ग्रीन मैन्योर क्रॉप के रूप में भी जो है काउपी का यूज़ किया जाता है, जिससे जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है एंड सॉइल इरोजन जो है वो भी कंट्रोल होता है। एंड नेक्स्ट देखते हैं इसके कुछ न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ भी होते हैं, जिस इसमें जो है पर 100 ग्राम ऑफ एडिबल पोर्शन में जो है 11% वाटर होता है एंड 23.4% प्रोटीन होता है एंड 1.8% फैट होता है एंड 63.3% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है एंड 76 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है एंड 5 to 7 मिलीग्राम जो है आयरन पाया जाता है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट को। काउपी जो होते हैं वार्म वेदर की क्लाइमेट होती है एंड इसके लिए जो है सैंडी लोम टू क्ले सॉइल जो है सुटेबल माना जाता है। एंड सैंडी टू क्ले लोम सॉइल जो है वेल ड्रेनेज वाली जो है सॉइल अच्छी मानी जाती है, जिसका पीएच वैल्यू जो होता है 6 to 7 पीएच वाली सॉइल जो है अच्छी मानी जाती है। काउपी जो होता है वो हाईली सेंसिटिव होता है वाटर लॉगिंग के प्रति एंड इसके लिए जो सूटेबल टेम्परेचर होता है वो 20 to 30 सेल्सियस टेम्परेचर जो है सूटेबल होता है इसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। एंड जर्मिनेशन के लिए 40 to 15 सेल्सियस टेम्परेचर जो है सूटेबल होता है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं रिकमेंडेड वैरायटी। सो इसके लिए MI 35 एंड विजया वरुणी धवाला एंड बॉम्बे ये सारे जो है रिकमेंडेड वैरायटीज़ हैं। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं रिकमेंडेड वैरायटीज़। सो अर्का गरिमा, ये जो अर्का गरिमा जो वैरायटीज़ होती है इसके पर्पल कलर के फ्लावर्स होते हैं और पॉट जो है राउंड्स एंड टिक होते हैं
पॉड गोल एंड जो है मोटे होते हैं, और ये टॉलरेंट होते हैं हीट एंड ड्रॉथ के प्रति, एंड जो इसमें की जो इल्ड मिलती है वो 18 कुंटल पर हेक्टेयर मिलता है, एंड 90 डेज का ड्यूरेशन वाली ये वैराइटीज़ हैं। एंड पूसा सुकोमल जो वैरायटी है वो पॉट जो है लाइट ग्रीन कलर का होता है, एंड 25 टू 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, एंड ये जो पूसा सुकोमल जो होता है वो रेजिस्टेंस होती है बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए, एंड इल्ड जो होता है वो 10 कुंटल पर हेक्टर इसकी जो है इल्ड की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं लैंड प्रिपरेशन को। सो इसके लिए अच्छी प्रकार से जो है गहरी प्लाविंग करेंगे, एंड सुटेबल जो है सीड बेड प्रिपेयर्ड करेंगे और वीट को कंट्रोल करेंगे। फिर उसके बाद जो है अच्छी प्रकार से जो है फील्ड प्रिपरेशन करके जो है खेत की बहुत अच्छी से फील्ड की तैयारी करेंगे, और जो है 2 से 3 बार जो है अच्छे प्रकार से जुताई करेंगे। उसके बाद जो है भूमि तैयार हो जाने के बाद जो है सीड की सोइंग करेंगे। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं सोइंग ऑफ सीड। सो टाइम ऑफ सोइंग को देखते हैं। सोइंग जो टाइम होता है वो खरीफ की जो क्रॉप है उसको मई से जून में लगाते हैं, एंड रबी की क्रॉप को जो है अक्टूबर टू नवंबर में सोइंग की जाती है। एंड सीड दो सो देखते हैं काउपी के लिए जो है 22-25 केजी पर हेक्टेयर सीड रेट की रिक्वायर्ड होती है, एंड इसकी जो मेथड्स ऑफ सोइंग है सो इसके लिए जो है डिबलिंग मेथड्स के द्वारा जो है सीड की सोइंग करेंगे, एंड जो स्पेसिंग रखेंगे रो टू रो स्पेसिंग वो 45 सेंटीमीटर जो है रो टू रो स्पेसिंग रखेंगे, एंड प्लांट टू प्लांट जो स्पेसिंग रखा जाता है वो 8 टू 10 सेंटीमीटर जो है प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग लिया जाता है, एंड ब्रॉडकास्टिंग मेथड से भी जो है सीड की सोइंग की जाती है। और लाइन सोइंग करना है तो उसके लिए जो है डिबलिंग की हेल्प से जो है सोइंग करेंगे काउपी की। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं प्लांटिंग मेथड्स। सो रेन फेड प्लांट्स के लिए फ्लैट रेस्ड बेड का यूज़ करेंगे, जिसके लिए जो है डिपेंड करता है जो है रिज्ड मेथड से लगाए हैं या जो है फ्लैट बेड से लगाए हैं या जो है इस प्रकार से जो है इसकी जो है रो की जो है वो रो का डिस्टेंस जो है डिपेंड करता है। सो स्पेसिंग इसके लिए जो रखेंगे 30 सेंटीमीटर रो एंड 15 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस रखते हैं। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं फर्टिलाइज़र को। सो बेसल डोज के रूप में यूज़ करेंगे नाइट्रोजन 30 केजी पर हेक्टेयर की दर से, जिसके लिए जो है यूरिया लेंगे 35 केजी पर हेक्टेयर, एंड फास्फोरस लेंगे 45 केजी पर हेक्टेयर। फास्फोरस का जो है को पूरा करने की कोशिश करेंगे, फास्फोरस जो देंगे वो ट्रिपल सुपर फास्फेट के थ्रू देंगे 100 केजी पर हेक्टेयर में, एंड पोटास जो देंगे वो 45 केजी पर हेक्टेयर। इसके लिए जो है म्यूरेट ऑफ पोटास का यूज़ करेंगे जो कि 75 केजी पर हेक्टेयर की दर से जो है दिया जाता है। एंड नेक्स्ट जो देंगे टॉप ड्रेसिंग में जो है 30 केजी यूज़ करेंगे यूरिया फ्लावरिंग के टाइम। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं इरिगेशन को। सो क्रॉप की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग जो है इरिगेशन देंगे।
सो इसके लिए जो है ब्रांचिंग टाइम जो है फर्स्ट इरिगेशन देंगे, सो इस सोइंग के 30 to 35 डेज़ बाद, एंड बिफोर फ्लावरिंग देंगे सोइंग के 65 to 70 डेज बाद, एंड पॉड फिलिंग स्टेज में देंगे 85 to 100 डेज बाद सोइंग के, एंड नेक्स्ट हम देखते हैं वीट कंट्रोल को. सो 3 to 6 वीक्स आफ्टर प्लांटिंग वीडिंग करेंगे, उसके लिए जो है वीट कंट्रोल मेथड्स का यूज़ करते हैं, जिसमें जो है मैन्युअली जो है यूज़ करेंगे, हैंड वीडिंग करेंगे, एंड केमिकल के थ्रू जो है वीट्स को कंट्रोल करेंगे, जिसके लिए एलाक्लोर 3.3 से 3.5 पर हेक्टेयर के 1 स्प्रे करेंगे, एंड ऑक्सी फ्यूरा फेन का यूज़ करेंगे 0.50 से 0.75 पर हेक्टेयर के दर से जो है यूज़ करेंगे 1 स्प्रे, एंड मेटाक्लोर का यूज़ करेंगे 3 to 4 पर हेक्टेयर 1 स्प्रे पर हेक्टेयर की दर से जो है 1 स्प्रे करेंगे, एंड इस प्रकार से जो है हम वीट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे. एंड हार्वेस्टिंग को देखते हैं. सो जो डिफरेंट स्टेज में जो है मैच्योरिटी के डिफरेंट स्टेज में 3 स्टेज में जो इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है. सो यदि चारे के लिए लेते हैं तो आफ्टर प्लांटिंग 45 to 60 डेज में जो है इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है, एंड ग्रीन मैच्योर जब होता है उस समय जो है 60 आफ्टर प्लांटिंग 60 to 90 डेज में जो है इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है, एंड ड्राई होने पर जो है आफ्टर प्लांटिंग 90 to 110 डेज में जो है इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है. डिपेंड एंड जो हार्वेस्टिंग है वो मैकेनिकली एंड मैनुअली भी जो है हार्वेस्टिंग की जा सकती है. एंड जब 8 to 9% मॉइस्चर रह जाए तो उस कंडीशन में जो है स्टोर कर देना चाहिए. एंड नेक्स्ट हम देखते हैं पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी को. सो काउपी के सीड को ड्राई करेंगे, ड्राई करने के लिए जो है क्लीन्ड उसको साफ करेंगे, फिर जो है ग्रेड करेंगे, ग्रेडिंग करेंगे, फिर उसके बाद फ्यूमिगेंट करेंगे, फिर उसको पैकेज्ड करेंगे स्मॉल जो है प्लास्टिक बैग में जो है पैक करके उसको सेल करेंगे कंज्यूमर के पास, और जो मॉइस्चर जो कंटेन होता है उसको रिड्यूस करेंगे. 8 to 9% जो मॉइस्चर होता है वो सेफ मॉइस्चर परसेंटेज होता है स्टोर करने के लिए. एंड नेक्स्ट हम देखते हैं पेस्ट एंड डिजीज़ को. सो इसमें जो है कॉलर रॉड लगता है काउपी में, जो पार्थेनियम एफेनी डेरमेचम जो है और फ्यूजेरियम राइजोकोटोनिया ये सारे जो है कैंकर रॉड्स के जो है के पैथोजन है जिसके कारण से ये होता है. सो उसके लिए जो है कंट्रोल के लिए यूज़ करेंगे रिकमेंडेड फंगीसाइड का यूज़ करेंगे, एंड कंटिन्यूस जो क्रॉपिंग लेते हैं काउपी का उसको जो है सेम फील्ड में उसको अवॉइड करेंगे, और अवॉइड करेंगे जो एक्सेसिस जो नाइट्रोजन जो एप्लीकेशन करते हैं उसको अवॉइड करेंगे. इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो है कॉलर जो रॉट होता है वो काउपी में जो है कैसे होता है. सो इस प्रकार से उसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं. एंड नेक्स्ट जो होता है ब्लाइट. सो ये राइजोकोटोनिया सोलनाई के कारण से ये जो है ब्लाइट काउपी में होता है, जो स्मॉल सर्कुलर जो है ब्राउन स्पॉट्स बनाते हैं जो लीव में रेडिश कलर के छोटे से गोलाकार लाल रेड ब्राउन स्पॉट्स बनाते हैं लीव में,
इसके कंट्रोल के लिए यूज़ करेंगे, डिजीज़ फ्री सीड का अवॉइड करेंगे, अवॉइड करेंगे रेंस प्लांटिंग जो है अवॉइड करेंगे, यूज़ करेंगे फंगीसाइड का रिकमेंडेड फॉर राइजोकोटोनिया एंड इस प्रकार से जो है ब्लाइट का जो है अटैक होता है। सो इसके सिम्टम्स इस प्रकार से कुछ दिखाई देते हैं, हम देख सकते हैं। उसके बाद जो है काउपी येलो मोज़ेक वायरस का अटैक होता है जो कि लिप्स में इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं मोज़ेक के, जो कि पूरे जो लिप्स होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं। इसके कंट्रोल के लिए यूज़ करेंगे रेजिस्टेंस वैराइटीज़ का एंड प्लांट डिजीज़ फ्री सीड का यूज़ करेंगे एंड कंट्रोल करने के लिए इंसेक्टीसाइड का जो है यूज़ करेंगे। इस प्रकार से जो है लीव्स जो होते हैं काउपी के वो पीले पड़ जाते हैं, ऐसे ही सिम्टम्स दिखाई देते हैं उसके। एंड द अदर डिजीज जो होता है फंगल विल्ट लगता है एंड एंथ्रेक्नोज लगता है, और फंगल विल्ट के जो है सिम्टम्स इस प्रकार से दिखाई देते हैं, और एंथ्रेक्नोज के भी जो है सिम्टम्स को हम देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे जो है इस स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहे हैं। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं पेस्ट के लिए, सो लीफ हॉपर लगता है जो पेस्ट है उसके लिए डाई मेथोएट 40% ईसी 490 to 700 ml का यूज़ करेंगे एंड इंडोसल्फान 35 EC 506 to 770 ml का यूज़ करेंगे। पॉट बोरर लगता है जिसके लिए मेथो माइडोफॉस का यूज़ करेंगे 50% EC का, जो कि 1400 से जो है 2100 ml का यूज़ करेंगे। एंड लीफ हॉपर लगता है, पॉट बोरर लगता है एंड एफिड भी जो है काऊ पी के जो है क्रॉप को अटैक करता है या एफेक्ट पहुंचाते हैं। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं जो एफिड जो होते हैं वो ये, और जो है जो बग लगते हैं उसके जो है कंट्रोल्स के लिए डाईमेथोएट 910 to 1820 ml का यूज़ करेंगे उसके कंट्रोल के लिए। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं जो इल्ड जो होता है वो 15 to 20 क्विंटल पर हेक्टेयर ग्रेन की जो है प्राप्ति हो जाती है। एंड हरे चारे के लिए जो जो इल्ड प्राप्त होता है वो 200 से 300 क्विंटल पर हेक्टेयर की जो है प्राप्ति होती है।